हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन ये नवा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अपना 8th चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आज अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 9th चैप्टर, दैट इज़ रिप्रोडक्शन एनिमल्स, ठीक है। 7th क्लास के रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स देखे सी, हुण आपां की 8th क्लास के देखेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ठीक है। ये सारे की आप जो टॉपिक्स ने जो इस चैप्टर के कवर करने ने, कि रिप्रोडक्शन किन्ने तरह की होंगी है, असैक्शुअल रिप्रोडक्शन, सैक्शुअल रिप्रोडक्शन, यंग वंस टू अडल्ट, ठीक है। डिवेलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो किमें डिवेल्प करता, ठीक है। ये सारे की है वीवी पैरस तो ओवी पैरस देखना, ठीक है। ये सारे की ये टॉपिक्स की आप इस चैप्टर देखेंगे, ठीक है। इस चैप्टर के द लिविंग ऑर्गेनिजम्स मे बी किल्ड बाय द अदर ऑर्गेनिजम। देखो आप देखते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने, जो कि अपनी ओल्ड एज के खत्म हो जाते हैं, जी किसी द्वारा कि एक अदर ऑर्गेनिजम द्वारा कि मारे जाते हैं, ठीक है। न्यू ऑर्गेनिजम्स हैव टू बी प्रोड्यूस्ड टू रिप्लेस दोज दैट डाई। देखो अगर यही प्रोसैस चलता रहा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने वो की है अपनी ओल्ड एज के खत्म हो जाएंगे, जो दूसरे जानवर ने अगर वो उन्होंने खा लेंगे तो वह की है फिर वह स्पीशीज तो खत्म ही हो जूगी। इसलिए उस स्पीशीज नूं की करते हैं, न्यू ऑर्गेनिजम जिहड़े ने उन्होंने की है जगह ले लेंगे ने, इसलिए यह सारा सिस्टम की है चलता रहता, ठीक है। उन्होंने आप कहने रिप्रोडक्शन के जड़े उस स्पीसीज ने अपने की न्यू स्पीसीज नू जन्म देंदे ने, उस प्रोसैस नू आपां की कहने आ रीप्रोडक्शन, ठीक है। दस द रीप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसैस बाई विच अ लिविंग ऑर्गेनिजम इज एबल टू प्रोड्यूस मोर ऑफ इट्स वन काइंड। इस प्रोसैस में ही आप की कहने रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन किनू कहते कि लिविंग ऑर्गेनिजम जिहड़े अपने की है अपनी किस्म नू, अपनी स्पीसीज नू जन्म देंदे ने, जां कि दोबारा की करदे प्रोड्यूस करदे, ठीक है। उन्हों की प्रोड्यूस कर दे उसको आप कहने रिप्रोडक्शन, ठीक है। ठीक है, जनरेशन आप कह सकते हैं कि जिमें एनिमल्स ने, ठीक है, वो अपने के बच्चों नू जन्म देते हैं, उस प्रोसैस में आप कहने रीप्रोडक्शन, ठीक है। जनरेशन आर मेनटेनड बाय रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये जनरेशन जी है किमें मेनटेन होंगी, रिप्रोडक्शन करके होंगी। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो आप कदों की खत्म हो जाते, ठीक है। सम ऑर्गेनिजम रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, सम बाय बर्थ टू देयर यंग वंस। कुछ ऑर्गेनिजम्स ने जोड़े कि है किमें रिप्रोड्यूस करते हैं बाय लेइंग एग, जहाँ कि वो कि एग दे द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं, जी है बेबी नू जन्म देंदे कि उस तरह रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लुक एट द एनिमल गिवन बिलो, फाइंड आउट विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस्ड बाय लेइंग एग्स विच वाई गिविंग बर्थ टू बेबीज। देखो जिहड़ा आपां पता है पिजन है ये कि एग द्वारा अपनी रिप्रोडक्शन करता है, तो कि चीता है जिहड़ा ये की करता है बेबी नू जन्म देंदा यंग वंस नू, ठीक है। ये भी ऑस्ट्रिच भी की है लेइंग एग, ठीक है। ये भी की है बेबीज नू जन्म देंदी है, फ्रॉग भी एग ले करता, ठीक है। ये सारे अपन की इतों पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हैगा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। हुण रिप्रोडक्शन आप देख ली, रिप्रोडक्शन होंगी की है, रिप्रोडक्शन यही होंगी है कि अपनी स्पीसीज नू की है प्रोड्यूस्ड करना, उन्हों आप की कहने रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन दो तरह की होंगी, ठीक है, सैक्शुअल ते असैक्शुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसैस बाय विच एन ऑर्गेनिजम एबल टू प्रोड्यूस मोर ऑफ इट्स वन काइंड, ठीक है। अपनी प्रजाति नू जन्म देना, ठीक है, उसनों आप की कहने रिप्रोडक्शन, ठीक है। There are two modes of the reproduction in animals. Animals दे विच दो तरह की रिप्रोडक्शन होंगी है, कि सैक्शुअल तो कि असैक्शुअल, ठीक है। सैक्शुअल तो असैक्शुअल की होंगी है, सैक्शुअल वो होंगी है जिथे आप दो पेरेंट्स, तो जी रिप्रोडक्शन होंगी है उन्होंने आप कहने सैक्शुअल। असैक्शुअल की होंगी है जी एक पेरेंट द्वारा ही की जाती है रिप्रोडक्शन, उन्होंने की कहने आप असैक्शुअल, ठीक है। इस चैप्टर के आप पढ़ा असैक्शुअल रिप्रोडक्शन, द काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ सिंगल पेरेंट इज इनवॉल्व इन इज नोन एज द असैक्शुअल रिप्रोडक्शन। देखो जिथे की है सिंगल पेरेंट द्वारा की है रिप्रोडक्शन होंगी है उन्होंने आप की कहने असैक्शुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। दिस मीनस ओनली वन एनीमल क्रिएट्स ऑफ स्प्रिंग्स ऑन इट्स ओन, ठीक है। यदा मतलब यही है कि इको ही एनीमल है जो अपने की है अगे की ऑफ स्प्रिंग्स अपने बच्चों जन्म देता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिजम्स लाइक हाइड्रा केड़े ने जड़े कि सैक्शुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जिमें कि हाइड्रा, अमीबा, बैक्टीरिया, फंजाई, ठीक है, एग्जिबिट असैक्शुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। देयर आर वेरियस मोड्स ऑफ द असैक्शुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल सच एज बर्डिंग ते बाइनरी फिजन। केड़े मोड्स द्वारा असैक्शुअल रिप्रोडक्शन होंगी एनिमल्स के
कि एक बर्डिंग ते के बाइनरी फिजन द्वारा किए कि रिप्रोडक्शन कर दिया। ठीक है, लेटेस्ट स्टडी दी बर्डिंग इन दी हाइड्रा एंड बाइनरी फिजन इन दी अमीबा इन डिटेल। ठीक है, हुण आपां बर्डिंग करांगे, बर्डिंग द्वारा किवें असैक्शुअल रिप्रोडक्शन हुंदी है ते बाइनरी फिजन द्वारा किवें हुंदी है। ठीक है, बर्डिंग की है, इज एन असैक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ डॉटर सैल ग्रोज ऑन द पेरेंट सैल एंड दैन सैपरेट। देखो बर्डिंग की है, बर्डिंग की असैक्शुअल मोड हुंदा है, इहदे विच की हुंदा है, जिहड़ी डॉटर हुंदी है, ठीक है, जिवें कि आ डॉटर सैल है, ठीक है, ये की है, ये पेरेंट्स जिथे कि करती है प्रोड्यूस करती है, कि पेरेंट सैल है, इतने की है डॉटर सैल आया, ठीक है, ये डॉटर सैल आया, डॉटर सैल उस तो बाद की है जो थोड़ा कि ग्रो कर जाता तो अपने आप को कि सैपरेट कर लेंदा, ठीक है, उतों की है कि अपनी डॉटर सैल पैदा करता। ठीक है, इन अ हाइड्रा द न्यू इंडिविजुअल डिवेलप एज अ आउटग्रोथ फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। देखो ये सिंगल पेरेंट है, इतों ही की है सैल है जोड़ा कि हाइड्रा दे विच की है। देखो हाइड्रा की होंगे, एक की है समुद्र दे विच, सीज दे विच पाया जाता हाइड्रा की है, एक की है एलगी दी तरह हाइड्रा होंगे, ठीक है, उन्हों की कहें हाइड्रा कहें। ठीक है, दिस टाइप ऑफ असैक्शुअल रिप्रोडक्शन इज टर्म्ड एज इफ बडिंग एज द न्यू इंडिविजुअल। देखिए यही है कि इतने जोड़ा न्यू इंडिविजुअल है वह की आया, ठीक है, हौली हौली की जो दी ग्रोथ हुई तो उन्हें अपने आप को पेरेंट सैल नालों की कर लिया सैपरेट कर लिया। ठीक है, फिर अगे इसते द्वारा बडिंग होगी, ए की है, उस तो बाद इतने की होगा न्यू सैल होगा वो अपने आप को की सैपरेट कर लूगा, इस तरह इन्होंने की है रिप्रोडक्शन होंगी है। ठीक है, इस प्रोसैस में आप कहने बडिंग कहने। ठीक है, एज द न्यू इंडिविजुअल डिवेल्प फ्रॉम अ बर्ड, इतने की आ इस चीज़ को कहते बर्ड कहें, बर्ड की अगे ग्रो होगा फिर अपने आप को की सैपरेट कर लूगा। ठीक है, द बर्ड ग्रोज टू फॉर्म अ न्यू हाइड्रा विच सैपरेट्स फ्रॉम द पेरेंट्स सैल। देखो ये पेरेंट्स तो की अपने आप को की सैपरेट कर लेंदा हाइड्रा। ठीक है, इस प्रोसैस में आप कहने बडिंग। नैक्सट हैगा बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के देखो ये अमीबा का स्ट्रक्चर है। ठीक है, द रिप्रोडक्शन इन विच एन ऑर्गेनिजम रिप्रोड्यूस्ड बाय डिवाइडिंग इट सैल्फ इन टू द टू इंडिविजुअल इज नोन एज द बाइनरी फिजन। देखो रिप्रोडक्शन है जिवें ना बाइनरी फिजन है, एक की है पेरेंट है, ठीक है, ये अपने आप को की है अगे की है सिंगल है, ये कि अपने आप को की है डबल दे विच की है सैपरेट कर लेंदा, फिर इतों की टू डॉटर न्यूक्लियाई आ जाते हैं। ठीक है, द रिप्रोडक्शन इन विच ऑर्गेनिजम रिप्रोड्यूस्ड बाय डिवाइडिंग इटसेल्फ, अपने आप को की है डिवाइड कर लेंदा। ठीक है, फिर अगे ये की है अपने आप को दो दे विच डिवाइड कर लूगा, ये अपने आप को दो दे विच डिवाइड कर लूगा, फिर अगे वो दो दे विच डिवाइड करे, इस तरह इन्हें दे विच की है रिप्रोडक्शन चलती है। ठीक है, बाइनरी फिजन इज ऑब्जर्व बाय माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा अ यूनीसेलुलर ऑर्गेनिजम। देखो आप पिछले भी पढ़िया कि जो सिंगल सैल्ड ऑर्गेनिजम्स होंगे उन्होंने आप यूनीसेलुलर कहने। ठीक है, एक यूनीसेलुलर ऑर्गेनिजम है जोड़ा कि अपने आप को डिवाइड करके कि अपने की अगे रिप्रोडक्शन करता। ठीक है, द प्रोसैस ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिन इन इट बाय डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस इन टू द टू न्यूक्लियस। यही है कि अपने आप को कि डिवाइड करता, पहले एक न्यूक्लियाई होंगी है, फिर अपने आप को के दो न्यूक्लियस दे विच के डिवाइड कर लेंदा। ठीक है, दिस इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी इनटू द टू पार्ट्स ईच रिसीविंग अ न्यूक्लियस एंड लास्टली टू अमीबा आर रिप्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ वन पेरेंट अमीबा। ठीक है, जिवें इहदे विच की आ न्यूक्लियाई है, ठीक है, एक न्यूक्लियाई है, अपने आप को कि दो न्यूक्लियाई दे विच डिवाइड कर लेंदा, तो उन्होंने को अपने आप दी इंडिविजुअल उन्होंने विच एक न्यूक्लियस ये को आ जाऊगा, एक न्यूक्लियस के दो न्यूक्लियस दे विच डिवाइड हो गया। ठीक है, अगे फिर यही दोबारा कि डिवाइड कर लेंगे, इस तरह इन्हें विच रिप्रोडक्शन होंगी है। ठीक है, ये की करते एक सिंगल पेरेंट तो कि दो डॉटर न्यूक्लियाई आ गई। ठीक है, ठीक है, इस तरह की है जिवें एक अमीबा अपने की दो अमीबा की कर देंदा, एक सिंगल पेरेंट तो की दो अमीबा अपन की है प्रोड्यूस कर लेंदा, इस तरह ही अपनी की रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, नैक्सट हैगा सैक्शुअल रिप्रोडक्शन। सैक्शुअल रिप्रोडक्शन दे विच की है, सैक्शुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स द टू पेरेंट्स टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिजम। इतने अपन के इतने सिंगल पेरेंट्स नाल की है रिप्रोडक्शन होंगी सी, इतने अपन के दो पेरेंट्स चाहिए है। ठीक है, दो पेरेंट्स तो की न्यू ऑर्गेनिजम न्यू ऑर्गेनिजम प्रोड्यूस करते हैं, उन्होंने आप कहने सैक्शुअल रिप्रोडक्शन। दे प्रोड्यूस द गैमेट्स, ठीक है, दैट फ्यूज टू फॉर्म अ जायगोट। इतने की है जोड़े गैमेट्स होंगे ओवम ते स्पर्म होंगे जोड़े वो अपने आप को फ्यूज करके एक की है जायगोट बना लेंगे। ठीक है, द प्रोसैस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन। तो ये जोड़ा कि है प्रोसैस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मतलब कि दोनों ये गैमेट्स ने जोड़े ओवम
तिबकी है स्पर्म, स्पर्म की है मेल तो ते ओवम की है फीमेल तो जो मिलते हैं ठीक है अपने आप में दोनों की फ्यूज़ कर देते हैं ठीक है उसनों उस प्रोसैस में आप कहने फर्टिलाइजेशन ठीक है। द जायगोट डिवेल्प्स इंटू अ न्यू इंडिविजुअल, फिर ये जो जायगोट है ये अपने आप में डिवेल्प करता है अगे अगे की थोड़ा कि यदि ग्रोथ होंगी जाती है ठीक है। सच अ रिप्रोडक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिट्स इज कॉल्ड द सैक्शुअल रिप्रोडक्शन, इस रिप्रोडक्शन जिहड़ी की है मेल ते फीमेल गैमेट्स द्वारा की फ्यूज़ होके हुंदी है उसनों आप कहनी है सैक्शुअल रिप्रोडक्शन ठीक है। मोस्ट मैमल्स रिप्रोड्यूस्ड सैक्शुअली, कुछ जिहड़े की है ज़्यादातर जिहड़े की है एनिमल्स हुंदे है कि सैक्शुअली रिप्रोड्यूस करदे है। ऑर्गेनिजम दैट हैव बोथ मेल एंड फीमेल सैक्स ऑर्गन्स आर कॉल्ड द हर्माफ्रोडाइट, जिहड़े कि कुछ ऑर्गेनिजम्स इदां दे हुंदे आ जिन्हां कोल कि दोनों तरह के की है सैक्स ऑर्गन्स हुंदे आ उहनूं आपां की कहिंदे आ हैमाफ्रोडाइट ठीक है। अर्थवॉर्म एंड लीचेस आर द हैमाफ्रोडाइट्स ठीक है। अर्थ ते की लीचेस जिहड़े हुंदे आ कि हैमाफ्रोडाइट्स हुंदे आ, इन्हां विच की है मेल ते की फीमेल सैक्स ऑर्गन्स दोनों ही पाए जांदे आ ठीक है। टू अर्थवॉर्म्स कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड एक्सचेंज स्पर्म, दो की अर्थवॉर्म्स जो कि अपने आप दे विच की कॉन्टैक्ट बनाते हैं तो अपने स्पर्म्स की करते हैं एक्सचेंज करते एक दूजे ने अदला बदली करते हैं ठीक है। इन मोस्ट एनिमल्स एंड इंडिविजुअल कैरीज ओनली वन काइंड ऑफ गैमेट्स ओवम इन फीमेल्स एंड स्पर्म इन मेल्स, कुछ एनिमल्स इदा नहीं होंगे जेडे कि इको तरह के जेडे कि गैमेट्स की है की करते कैरी करते जिमें कि मेल्स होंगे, मेल्स के विच केड़ा गैमेट पाया जाता है स्पर्म तो फीमेल दे विच की ओवम पाया जाता है ठीक है। कुछ इदा के एनिमल्स होंगे जिन्हें दे विच दोनों पाए जाते हैं उन्होंने आप कहने हैमाफ्रोडाइट ठीक है। नैक्सट है फर्टिलाइजेशन, हूँ आप देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन किदा होंगी है ठीक है। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड द फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन, देखो जो कि मेल गैमेट केड़ा हुंदा मेल गैमेट स्पर्म, फीमेल गैमेट की ओवम जदों आपस दे विच के फ्यूज़ कर जांदे आ ठीक है, दोनों आपस दे विच की फ्यूज़ करदे आ मीनस कि एक दूजे नाल की कॉन्टैक्ट बना के दोनों की एक बन जांदे उसनों आपां की कहने फर्टिलाइजेशन, उस प्रोसैस नूं आपां की कहने फर्टिलाइजेशन ठीक है। इट मे बी इंटरनल और एक्सटरनल, एक है इंटरनली भी हो सकता है ठीक है एक्सटर्नली भी हो सकता है ठीक है। फर्टिलाइजेशन इन विच अ फ्यूजन ऑफ ओवम एंड द स्पर्म टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड द इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जो कि फर्टिलाइजेशन जो कि है की हुंदा है हाँ जी जो कि है जो ओवम ते स्पर्म्स की दोनों की फ्यूजन की है इन फीमेल बॉडी दे विच की है इनसाइड अंदर फीमेल बॉडी दे विच फ्यूजन होंदी है उन्हों आपां की कहने इंटरनल फर्टिलाइजेशन ठीक है। फीमेल बॉडी दे विच जो कि है ओवम ते स्पर्म दोनों गैमेट्स की जो कि फ्यूजन हो जाती है फीमेल बॉडी दे अंदर उस प्रोसैस में आप उस फर्टिलाइजेशन आप कहने इंटरनल फर्टिलाइजेशन ठीक है। जिमें फॉर एग्जाम्पल कि बर्ड्स के रेप्टाइल्स के मैमल्स इनकलूडिंग ह्यूमन बीइंग्स के ठीक है रिप्रोड्यूस्ड बाय द इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इतने किमें रिप्रोडक्शन होंगी इंटरनल फर्टिलाइजेशन द्वारा की रिप्रोडक्शन होंगी है ठीक है। नैक्सट है द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच अ फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म टेक्स प्लेस आउटसाइड द एनिमल बॉडीज इज कॉल्ड द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, उस दे विच की हुंदा जिथे की है ओवम ते की है स्पर्म जिहड़े की है आउटसाइड द एनिमल बॉडी ठीक है एनिमल बॉडी तो की है बाहर की है दोनों की फ्यूज़ हुंदे है दोनों जिहड़े ओवम ते की है स्पर्म गैमेट्स दोनों फ्यूज़ हुंदे है आउटसाइड द एनिमल बॉडी उहनूं आपां की कहने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जिमें कि फ्रॉग्स के विच की हुंदा वो कि वॉटरस के विच की है जिहड़े मेल हुंदे है ठीक है फ्रॉग जिहड़े हुंदे ठीक है मेल हुंदे वो अपने की की करदे है स्पर्म वॉटर के विच की है छड्ड दिंदे ठीक है। जिहड़ी फीमेल्स हुंदे है वो भी अपने की जिहड़े की है ओवम जिहड़े गैमेट्स हुंदे वो की वॉटर के विच की अपने की वो कर दिंदे ठीक है। फिर दोनों आपस के विच की है जदों मेल ते की फीमेल गैमेट्स दोनों आपस के विच फ्यूज होणगे फिर उन्हां दी की हुंदी है रिप्रोडक्शन हुंदी है ठीक है। वो किदे विच हुंदे है जिहड़े कि वॉटरस दे विच एनिमल्स रहिंदे है ठीक है फिश हो गया फ्रॉग टोड स्टारफिश। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर यूजली इन वॉटर,
ये हमेशा ज़्यादातर की वाटर दे विच की है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होंगी है। ठीक है, मेल एंड द फीमेल फ्रॉग्स और टोड्स कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, जो ये दोनों की वाटर दे विच अपने की है मेल गैमेट्स ते की है फीमेल गैमेट्स जेडे भी कि ओवम गैमेट्स ते की है फीमेल गैमेट्स जेडे होंगे है, जो आपस के वाटर दे विच की है दोनों एक दूजे के कॉन्टैक्ट दे विच आते हैं, फिर उन्होंने की है रिप्रोडक्शन होंगी। दे कलैप्स ईच अदर इन वाटर, ठीक है, द फीमेल लेज 100 ऑफ एग्स, द मेल इजेक्ट स्पर्म्स डायरेक्टली इन ऑन द फ्लोटिंग एग्स टू द फर्टिलाइजेशन। जिहड़ी फीमेल हुंदी है अपने की एग है जिहड़े हंड्रड्स दे विच के अपने एग्स ने जिहड़े कि वाटर दे विच की है ले करदी है, ठीक है, एग्स की है वाटर दे विच के अपने दे देंदी है। ठीक है, फिर मेल जिहड़े हुंदे आ ओह दे विच के एग्स दे विच अपना की स्पर्म इजेक्ट कर देंदे आ। ठीक है, जिहड़ी भी फ्लोटिंग एग्स होंगे उन्होंने के अपना स्पर्म इजेक्ट कर देंगे और फिर उन्होंने के फर्टिलाइजेशन होंगी है। देखिए, द सेम प्रोसैस टेक्स प्लेस इन द मोस्ट ऑफ द फिश, यही प्रोसैस है जोड़ा कि जो फ्रॉग्स के होंगे यही प्रोसैस है जोड़ा फिशिज के भी होंगे। ठीक है, नैक्सट आप करेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स, ये आप कल पढ़ा। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स कि बहुत ज़्यादा वड्डा टॉपिक है। ठीक है, मेल पढ़ांगे फिर फीमेल पढ़ांगे, फिर दोनों दे विच की है किवें अपना स्पर्म जिहड़े गैमेट्स ने किवें दिंदे ते फीमेल जिहड़े अपने गैमेट्स किवें दिंदे, फिर दोनों दे विच फ्यूजन किस तरह हुंदी है। ठीक है, ये सारा प्रोसैस आपां की है इहदे विच पढ़ांगे। ठीक है, कल पढ़ांगे। अज आपां की पढ़िया, अज आपां पहला की पढ़िया, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन पढ़ी, रिप्रोडक्शन की हुंदी है, फिर रिप्रोडक्शन दी टाइप्स पढ़ियाँ, सैक्शुअल ते की असैक्शुअल, सैक्शुअल की हुंदी है जिथे अपन के दो पेरेंट्स की जरूरत हुंदी है। ठीक है, उन्होंने आप कहने सैक्शुअल, असैक्शुअल की हुंदी है जिथे अपन के सिंगल पेरेंट द्वारा की रिप्रोडक्शन हुंदी है, उन्होंने आप कहने असैक्शुअल रिप्रोडक्शन। वो किदे किदे विच हुंदी है सैक्शुअल असैक्शुअल किदे किदे विच हुंदी है, हाइड्रा दे विच ते की अमीबा दे विच। ठीक है, किहड़े किहड़े मोड्स द्वारा हुंदी है, बाइनरी ते की बडिंग, बडिंग दे विच की हुंदा जिवें हाइड्रा दे केस दे विच आपां देखिया सी बर्ड बनदे आ पेरेंट सैल दे पेरेंट दे उत्ते, पर की बर्ड दी तरह की फॉर्मेशन हुंदी है, फिर वो बर्ड की अपनी की है डिवेलप हुंदे आ, फिर डिवेलप होकर अपने आप नूं की पेरेंट्स दे नालों की सैपरेट कर लैंदे आ, उस प्रोसैस नूं आपां की कहने बडिंग। बाइनरी फिजन की हुंदी है, एक सिंगल पेरेंट जदों अपने आप नूं की डिवाइड कर लैंदे आ दो डॉटर न्यूक्लियर दे विच, उहनूं आपां की कहने बाइनरी फिजन कहने आ, जिवें कि अमीबा दे केस दे विच हुंदा। ठीक है, नैक्सट की आपां सैक्सुअल रिप्रोडक्शन देखी सी, सैक्सुअल रिप्रोडक्शन दे विच की हुंदा मेल गैमेट ते के फीमेल गैमेट जिहड़े जदों आपस दे विच फ्यूज करदे आ उस द्वारा जिहड़ी रिप्रोडक्शन हुंदी उहनूं आपां की कहने आ सैक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिथे कि मेल गैमेट ते फीमेल गैमेट जिहड़े फ्यूज करदे आ उस प्रोसैस नूं आपां की कहने आ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन भी दो तरह की हुंदी है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन ते एक्सटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन दे विच की हुंदा जदों मेल गैमेट ते फीमेल गैमेट आपस दे विच की करदे फ्यूज करदे इनसाइड एनीमल बॉडी, जदों एनीमल बॉडी दे अंदर दोनों फ्यूज करदे उहनूं आपां की कहिंदे आ इंटरनल फ्यूजन। ओह किहदे किहदे विच हुंदी है, सॉरी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन किहदे किहदे विच हुंदी है, जिवें आपां ह्यूमन बीइंग्स हो गए ज़्यादातर जिहड़े कि बर्ड्स जां एनीमल्स हुंदे आ। ठीक है, उहनां दे विच मैमल्स दे विच की है इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुंदी है। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दे विच की हुंदा जदों मेल गैमेट ते फीमेल गैमेट आपस दे विच की फ्यूज करदे आउटसाइड द एनीमल बॉडी। ठीक है, एनीमल बॉडी तो की बाहर करदे जदों आपस दे विच फ्यूजन हुंदी है उन्हां नूं उस नूं आपां की कहने एक्सटर्नल फ्यूजन। एक्सटर्नल फ्यूजन है जिहड़ी किहदे विच हुंदी है ज़्यादातर की है यूजली वाटर दे विच हुंदी है, जिवें कि फ्रॉग्स हो गए फिश हो गए। ठीक है, इन्हां दे विच हुंदी है। ठीक है, फ्रॉग ते फिश दे विच की हुंदे आ जिवें कोई फीमेल हुंदी है। ठीक है, फीमेल जिहड़ी की करदी आ वाटर दे विच अपनी की एग ले करदी है। ठीक है, अपनी एग दे दिंदी है, एग की वाटर दे विच की फ्लोट करदे आ तैरदे आ। ठीक है, फिर जिहड़े मेल हुंदे आ उह अपने की स्पर्म है जो एग्स दे विच के इजेक्ट कर देंगे उत्थों उन्हां दी की है की हुंदी है रिप्रोडक्शन की है अगे वधदी है। ठीक है, ज़्यादातर फ्रॉग्स ते फिशेस दे विच के यही प्रोसैस द्वारा की अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, नैक्सट की आप कल जो पढ़ांगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, कल वाले पार्ट दे विच आप कोशिश करेंगे कि यह चैप्टर की शायद मे बी अपना कल की कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अच्छा, इन्हें थैंक यू।